गुड प्लेस। इस शो की कहानी फोकस करती है एरिनॉल नाम के कैरेक्टर पे, जो एक सेल्स वुमन है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के कारण गलती से उस स्वर्ग पहुंच गई है जबकि उसे नर्क जाना था। और वो क्या करती है कि वो नर्क ना जाए दोबारा या कभी भी, तो कैसे बचे, इसी पर शो की कहानी फोकस करती है। जो ये शो है ना, इसमें बहुत सारी फिलॉसफीज का जिक्र हुआ है कि जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम, जीने का सही ढंग क्या है, स्वर्ग या नर्क असली है नहीं है। जिन्हें फिलॉसफी पसंद है ना, तो उन्हें तो ये शो जरूर मजेदार लगेगा। जिसकी कॉमेडी है वो ठीक ठाक है, बीच में थोड़ी वल्गर हो जाती है। जो कॉमेडी का मेन सोर्स है वो है जेनेट, जो इस शो में रॉबर्ट स्लैश AI का एक रूप है, जो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती रहती है और अपने आप को डेवलपमेंट करती रहती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से उसकी डेवलपमेंट होती है, अजीब कॉन्सेप्ट है का। तो देखने में उसे मजा आता है, डबल ट्रिपल रोल भी करती है आगे आने वाले फ्यूचर वाले एपिसोड्स में। वो तो सही करेक्टर है। वो अगला एक जैक्सन इनका लौंडा है, वो एक नंबर का डम है और कभी कभी अक्लमंद की बातें कर देता है, अक्लमंदी की। तो इसी के अराउंड पूरी शो की कहानी फिरती है, कभी पृथ्वी कभी स्वर्ग कभी नर्क, कभी उन्होंने जज दिखाया है जो पृथ्वी का फैसला कर रहा है तीन बच्चे की। तो इसी के अराउंड है शो की कहानी। तो मुझे तो ये शो बहुत पसंद आया है, तो इसे मैं दूंगा 8.5/10 की रेटिंग। और आपको कैसा लगता है ये शो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।